lots of kids out here cheering, you know, totally, and they were enjoying. The laughter was collective laughter coming up, yes, especially when the crabots were, you know, trying to mix around things, and the mega crabots when they came. You guys like the Fixies or crabots? Fixies, yeah, even me also. So, you know, Raghav, what I'm trying to understand, they are like very popular characters out there. It's like, because I remember once I was in Singapore or somewhere airport, I saw these toys, Fixie toys. They are like glowing in dark type of toys, right? Yes. Please, if you can tell us something. Fixies are actually, it was first series, and it was very famous in Russia, and but they decided, okay, it's a good content, that let's make a film out of it. This is how Fixies came. This was distributed by Walt Disney. Correct me if I'm wrong. It was distributed by Walt. Yeah. That's a big thing. Right? I guess this was my first Russian, you know, animated film, and I was very impressed with this one. But so, आप क्या लगता है आपको कैसा लगा? Hi, hi, this is Ravi here. I hope सबको ये फिल्म पसंद आई. सही है अभी. It's not working. Yeah, can you hear us? Yeah, great. Super. I hope सभी को ये फिल्म पसंद आई होगी. Hi, this is Ravi here from Filmy Fever. हम अक्सर देखा करते हैं कि अमेरिकन जो एनिमेटेड सीरीज होती है, फिल्में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर है. लेकिन आई होप रशियन जो कैरेक्टर्स हैं, जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, वो भी अब ज़्यादा पॉपुलर हो. जितने ज़्यादा इस तरह की फिल्में पॉपुलर होगी, वर्ल्ड सिनेमा में कॉम्पिटिशन क्रिएट होगी, और जब अच्छे कॉम्पिटिशन क्रिएट होती है तो हमारे सामने अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा एनिमेटेड जो फिल्म है हमारे सामने आती है. तो आई एम ग्लैड कि इस तरह की फिल्में आ रही है और हम इंडियंस देख रहे हैं इस तरह की फिल्मों को. रशियंस आर वेरी वेलकमिंग फॉर आर इंडियंस. जितने भी हमारी इंडियन फिल्में होती हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो इंडियंस हैं, हम रशियन फिल्मों को भी, यू नो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें. आपने एक्सपेक्टेशन सोचा था कि इस तरह की फिल्में होंगी इस पर, मतलब ऐसे सिनेमा को देखने का, इतना जिस लेवल का सिनेमा दिखाया गया, क्या आपको लगा था कि इस लेवल का सिनेमा दिखाया जा सकता है? सारी फिल्में थी इस फिल्म की, सारी अब तक चारों फिल्में, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो मैं बहुत यू नो दाद देना चाहूंगा कि जो सिलेक्ट की एक एक फिल्म, इसके पीछे थॉट प्रोसेस दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोचा है, क्योंकि कोई भी फिल्म एक टिपिकल टाइप की नहीं है, अनसीन है. आप जितने भी हमने अब तक फिल्में देखी है, वो सारी की सारी ऐसे लग रहा है कि ये अपने आप में डिफरेंट है, यू नो. तो कोई कॉपी नहीं है या किसी ने इंस्पायर नहीं है. ओके, झलक आती है, रेफरेंस पॉइंट आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत ओरिजिनल रही है. तो ये सिलेक्शन जो प्रोसेस हुआ है बहुत कमाल का हुआ. देखिए, कुछ सालों पहले उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा था वर्ल्ड सिनेमा को लेकर, क्योंकि उतना इंटरनेट नहीं था या चीज़ें नहीं थी. लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो इंडियंस हैं, हम सभी लोग हैं, या फिर एक्सचेंज हो रहा है हमारा कल्चर, हमारी सिनेमा एक्सचेंज हो रही है. इंडियन फिल्म्स रशिया में दिखाई जा रही है, रशिया की फिल्में इंडिया में दिखाई जा रही है. और मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो भाई बहन है, वो सब दोस्त भी सभी यहाँ पर है और रशियन फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं. तो इस तरह का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही इनकरेज करता है. जिस हिसाब से ये रशियन के जो कलीग्स हैं, ये आए हैं और एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं यहाँ पर, और वो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को. तो एक रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा टाइप हो जाता है. और रही बात इस तरह की फिल्मों की, तो आई एम श्योर इस तरह की फिल्में और हमें देखने को मिलेगी. तो एक तरह का एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा वर्ल्ड सिनेमा में, और हमारे जो फिल्म मेकर्स है वो भी एक तरह से इंस्पायर होंगे, जो यंग ऑडियंस है वो भी इंस्पायर होगी कि इस तरह की फिल्में बनाए जाए. और एक ऑडियंस का जो टेस्ट होता है ना, वो अपग्रेड होना बहुत जरूरी होता है. और इस तरह के जब फेस्टिवल्स होंगे तो हमारी ऑडियंस का भी टेस्ट अपग्रेड होगा. सो पॉजिटिव एक तरह का साइन आप देख सकते हैं. ओके, रिव्यूज करते हैं, टेक्निकलिटीज के बारे में बात करते हैं. ये फिल्म देखने के बाद क्या महसूस किया, क्या डिफरेंस महसूस किया आपने बॉलीवुड फिल्मों में और रशियन फिल्मों में? देखो, फिल्मों में आई थिंक लैंग्वेज बैरियर तो होना ही नहीं चाहिए. ये तो पहले से ही इसके ऊपर हम हमेशा बात करते रहते थे. कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने पूछा था कि क्या रीजंस थे कि जो
80s या 90s के एरा में इंडो रशियन फिल्में जो बनी थी वो चली थी और अब क्यों बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही। मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, एक फिल्म आई थी अलीबाबा 40 चोर, जिसमें धर्मेंद्र बना था अलीबाबा, उसके बड़े भाई का रोल किया था एक रशियन एक्टर ने, उसकी मम्मी का रोल किया था एक रशियन एक्टर ने, पीपल एक्सेप्टेड था। वो नहीं कहा कि ये एक लड़का, कोई लॉजिक नहीं सोच रहा था वहां पे कि ये इंडियन है या ये रशियन है। फिल्म इंडिया में भी सुपर हिट हुई थी, रशिया में भी सुपर हिट हुई, व्हाई? बिकॉज इमोशंस वे करेक्ट। तो इमोशंस जब करेक्ट होंगे तो उसके बाद कोई लैंग्वेज बैरियर होता ही नहीं है। यहाँ पे इमोशंस इतने बढ़िया है, मुझे तो मतलब वो यू नो कितनी सारी श्याम बेनेगल की फिल्मों की याद आ गई या मधुर भंडारकर की फिल्मों की याद आ गई, क्योंकि वहां पे आप एक फीमेल जर्नी जो पूरी ले रहे हो, उसके स्ट्रगल्स को ले रहे हो, उसके पूरे एक एक डिटेल में आपको पार्ट बना रहे, और उसके साथ जब जाके फाइनली उसका जो ड्रीम पूरा 100% हम अभी नहीं कह सकते कि उसका ड्रीम पूरा हुआ कि नहीं, क्योंकि उसके पहले ही एक सीन हुआ था जब उसकी फ्रेंड आके बोलती है कि ये मत सोचना कि इट्स अ फेरी टेल। तो उसके बावजूद भी व्हेन शी कम्स ऑन द स्टेज, आई थिंक यू नो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। सो दैट्स द इंपैक्ट ऑफ दिस फिल्म। इट इज द वेरी फेमस फिल्म राजा प्रमोट किया था। नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यू नो, वॉल्ट डिज्नी प्रमोटिंग रशियन फिल्म, और वो जो कैरेक्टर्स थे पूरे, वो सारे के सारे वहाँ के फेवरेट कैरेक्टर्स है बच्चों के, वो जो टॉयज है उसके पूरी सीरीज बनी है, इट्स अवेलेबल ऑन एमेजॉन प्राइम ऑल्सो। बहुत ही प्यारी फिल्म थी पिक्सीज वर्सेस क्रैबॉट, सो क्यूट। आई मीन मतलब आई एम श्योर सबने अपने अपने फेवरेट पिक्सीज पिक अप कर लिए होंगे, बिकॉज योर फेवरेट दिल तो बच्चा है जी, देयर ऑल माय फेवरेट, आई जस्ट हैड अ ब्लास्ट, एंड आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिल्म व्हिच इज अबाउट बैले डांस। सो डांस इज समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन एज एन एक्ट्रेस, सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस शो एज वेल। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो एक संयोग बना है इंडियन सिनेमा और रशियन सिनेमा भी यहाँ पे आया है बाय द वर्चू ऑफ दिस रशियन फिल्म फेस्टिवल, ऑल थैंक्स टू वसीम अख्तर्स कंपनी एक्सपेंशन जो कि यहाँ पे लेके आए इस वेरेंट को। बॉलीवुड इज रियली थैंकफुल फॉर दिस इनिशिएटिव, और रशिया पहले ही ग्रेट अलाय है उनका, सिनेमा हमें शुरू से ही बहुत पसंद है, हमारा सिनेमा उन्हें बहुत पसंद है, तो बहुत मज़ा आ रहा है ये जो कोलाब्रेशन हुआ है, वी आर जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम। जहाँ तक मैंने सुना है ये जो नेक्स्ट मूवी है उसके बारे में, जिन शॉट ऑन द रियल लोकेशन, जो रशिया के आप प्राइड है, यू नो दैट इज़ अ लाइक बहुत कम लोग वहाँ पे जाके शूट कर सकते हैं, तो उसके लिए तो मैं बहुत ही वेट कर रहा हूँ। मुझे किसी ने रेकमेंड भी किया, दिस इज लाइक संजय लीला बंसाली टाइप ऑफ फिल्म विथ ऑल दोज यू नो आर्किटेक्चर थिंग्स एंड डांसेस, सो वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मूवी। And yes. Priti, this is yes. Your third day to coming every day, watch the movie, how was the experience and tell us something about the movie. Yeah, my experience was very nice, I didn't think that I will come third day also, I was expecting that ek day jam bhi aur movie dekh ke khatam ho jayega, but movies were so nice, so emotional, and emotion does not require a language. So, mere ko actually, it was not planned ki main teesre din bhi aungi aur movie dekhungi, but inke concepts itne acche hain, visualization itni achhi hai, आना पड़ा। पहले मैं एनिमेटेड मूवी के बारे में बोलना चाहूँगी। वैसे तो मैं कार्टून ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट इट वाज रियली फन। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, बचपन में देखते थे ये सब चीज़ें, बट बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड अबाउट द सेकेंड मूवी, मैं जहाँ थिएटर में काम कर रही हूँ वहाँ पर हम लोग को सर वो मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं, जो एक्चुअली आज मैंने यहाँ पर देखा, जो मूवमेंट्स होता है एक एक्टिंग में, मूवमेंट बहुत मैटर करता है, तो वो चीज़ आज मैंने देखी एंड इट वाज रियली फन। वैसे तो पूरी फिल्म बहुत अच्छी थी, दोनों ही फिल्म बहुत अच्छी लगी। पहला जो था वो एनिमेटेड फिल्म, उसमें ये था कि सिंबॉलिक बहुत चीज़ें सिंबॉलिक यूज़ की गई थी, बहुत सारे सिंबलाइजेशन थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, और इतना परफेक्शन था कि हर एक करेक्टर का इमोशन दिख रहा था जबकि वो एनिमेटेड थी, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और पूरी फिल्म समझ में आ रही थी, रिलेट कर पा रहे थे। और बात करूँ दूसरी फिल्म की, तो बैक स्टेज क्या होता है, कैसे लोग परफॉर्म करते हैं, ये पूरी चीज़ें इमोशन जो होती है उसकी वो दिखाई गई। आप परफॉर्म तो कर रहे हैं, सामने कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है इंटरनल, वो चीज़ें दिखाई गई है, तो काफ़ी अच्छी लगी। दोनों ही फिल्म बहुत कनेक्टिंग थी। पॉपकॉर्न बहुत अच्छी, इवन
मुझे लास्ट वाली जो मूवी है ना बहुत इंस्पायरिंग की, इवन जो एक्टर्स के एक्टिंग थे बहुत ही नेचुरल और इमोशंस फुल थे, स्पेशली जो डांस थे ना तो वो बहुत बहुत टच किया मुझे। मैं तो शांति से अकेले बैठ कर देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन सेकेंड नाइट मुझे बहुत सही अच्छा लगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक एक्टर हूँ और एक एक्टर को सबसे ज़्यादा मोटिवेट रहने की ज़रूरत होती है इस फिल्म को देखने के बाद। एक स्ट्रगल, एक जर्नी, और कैसे हम अपने ड्रीम को डिलाइटफुल तरीके से पाने की कोशिश करते हैं और पाते हैं। और एक फैक्ट मैंने अपने मतलब अपने लाइफ में नोटिस किया है कि आप जहाँ हैं वहाँ पर बने रहिए और अच्छे तरीके से आप अपने ऊपर काम करते रहिए तो वो चीज़ हासिल हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये मूवी हमें वही दर्शा रही है, तो इस नज़रिए से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा। बाकी मूवी की जो मेकिंग है, जो स्टार कास्ट है और जो भी एंगल है, जो भी क्लिप्स हैं, वो ऑसम है। मतलब उसके विषय में जितना कहा जाए वो कम है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। पिछले 3 दिनों से लगातार मूवी देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और इस सेकेंड वाले मूवी से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इमोशंस कैसे नेचुरल एक्टिंग करते हैं एज एन एक्टर, क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ तो मुझे एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला।